हेलो दोस्तों, हम घूमने गए थे तो अमृतसर का स्वर्ण मंदिर भी हम देखने गए थे। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर भक्ति भावना और ईश्वर की अनुकंपा के स्वर्ण किरणों को बिखेरने वालों मंदिरों में से केवल सिखों के लिए नहीं, अनगिनत अनगिनत श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। एक सुंदर सरोवर के मध्य में स्थित यह स्वर्ण मंदिर संसार के सभी सिखों के लिए विशेष तीर्थ स्थान है। अमृतसर नगर तथा प्रचलित लोक कथा अनुसार राम के दोनों पुत्र लव और कुश ने यहाँ रामायण पाठ के लिए आए थे। ऐसा कहा जाता है कि इस सरोवर के जल में कई प्रकार के गुण हैं, जिसमें रोगी भला चंगा हो जाता है। अमृतसर की स्थापना सन 1574 ईस्वी में आरंभ होती है। रामनाथ जी ने पुराने सरोवर के निकट डेरा डाला था। यहाँ भक्तों की भीड़ होने लगी। बाद में एक गुरु साहिब ने सरोवर के आसपास की जमीन खरीद ली। भक्तों ने एक बड़ा सरोवर खोद दिया था। वहाँ गुरु ने निवास स्थान को गुरु का महल नाम दिया गया। बस्ती वहाँ रामदासपुरा बस गई। अमृततुल्य जल से कई विशाल सरोवर के निकट बसी बस्ती को का नाम अमृतसर रखा गया। यह योजना थी कि विशाल मंदिर का निर्माण किया जाए। रामदास जी के देहांत हो गया और उनके पुत्र अर्जुन दास जी ने वह उत्तराधिकारी थे। मंदिर का निर्माण का कार्य पूरा किया। यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब विराजमान किया गया। सिखों के सभी धर्मावलियों के लिए यह तीर्थ स्थान बन गया। पंजाब के राजा रणजीत सिंह ने मंदिर के नीचे के कुछ हिस्सों को संगमरमर लगवाया और शेष भाग को पहले तांबे में जड़वा कर शुद्ध सोना मंडवाया। अनुमान है कि 400 किलो सोना इस्तेमाल हुआ। सभी स्वर्ण मंदिर के नाम से यह प्रसिद्ध हो गया। के मंदिर सरोवर के बीच में स्थित है तथा वहां पहुंचने के लिए 60 मीटर लंबा पुल बना हुआ है। इस पुल के किनारे को दर्शनीय ड्योढ़ी कहते हैं। 52 मीटर ऊंचा हरि मंदिर वर्गाकार है। इसमें चारों दिशाओं में चार द्वार है, जो इस बात का प्रतीक है कि गुरु के दरबार में किसी भी दिशा से आने वाले हर किसी का स्वागत है। 3 मंजिल के स्वर्ण मंदिर की निर्माण कला अद्भुत है और अद्वितीय है। पहली मंजिल गुरु ग्रंथ साहिब पर स्थित है, जिसके ऊपर रतन जड़ित छत्र है। सुबह 3 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक गुरु ग्रंथ साहब का अखंड पाठ होता है। पूरे दिन श्रद्धालु माथा टेकने आते हैं। यहाँ जूते पहनकर सिर खुला रखकर आना सख्त मना है और धूम्रपान पूरे परिसर में निषेध है। जूते व सामान रखने की व्यवस्था है और पैर धोने के लिए बहते हुए पानी की भी व्यवस्था है। बिना पैर धोए कोई भी मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। सरोवर में स्नान करने से मनुष्य के सभी दुख दूर दर्द दूर होते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर आने वाले की सभी मन की मुरादें पूरी होती हैं। गुरु लंगर भी यहाँ की विशेष आकर्षण है। यहाँ सब लोग एक लाइन में बैठकर भोजन करते हैं। दाल चावल चपातियाँ सब्जियाँ आदि बनाने व बांटने का कार्य करते हैं, जो कि निःशुल्क है। इसको कर सेवा या कार सेवा यानी कि कहते हैं।
हम भी वहाँ गए तो वह बहुत ही ज़बरदस्त लाइटिंग की हुई थी, बहुत ही सुंदर था। हमने पहले हम अंदर गए तो मंदिर के अंदर जब प्रवेश किया तो हमने गर्म पानी, पैर धोने के लिए व्यवस्था थी, जूते रखने की व्यवस्था थी, और सेवादार अपना काम कर रहे थे, और बहुत ही सुंदर प्रतीत होता था मंदिर। बीच के अंदर स्वर्ण मंदिर बहुत ही सुंदर लगता था, पान सरोवर के चारों मेर और बीच में मंदिर, बहुत ही सुंदर दृश्य था, मन को लुभावने वाला दृश्य था। हम वहाँ 2-3 घंटे रुके लेकिन पता ही नहीं चला समय का। बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन हम वहाँ उस दिन को भीड़ बहुत ज़्यादा थी, हम मंदिर में दर्शन नहीं कर पाए क्योंकि बहुत असंख्य भीड़ थी और दर्शन करना बहुत ही दुर्लभ था। और वहाँ पानी के अंदर रंग बिरंगी मछलियाँ छोड़ी गई थी जो देखने में अत्यंत लुभावनी थी, वो बहुत ही सुंदर दृश्य था। रात के अंदर लाइटें बहुत ही सुंदर लग रही थी मंदिर की, और लोग बड़ी श्रद्धा भाव से यहाँ आते हैं और सेवादार यहाँ सेवा का कार्य भी करते हैं। ये जैसे कि सामने ये महिलाएं बैठी हैं, ये लोग पैर धो धो के निकल रहे हैं तो उनमें पानी साफ कर रही हैं, इस तरह से लोग यहाँ सेवा भी देते हैं मंदिर के अंदर। पानी के अंदर मछलियाँ देखकर बच्चों को रंग बिरंगी मछलियाँ बहुत ही अच्छी लगी और बच्चे बहुत ही खुश हुए, क्योंकि ऐसा सुंदर मंदिर भारत में प्रसिद्ध है, ये मंदिर अमृतसर का, और बहुत ही अच्छा लगा सबको इस मंदिर में जाकर। बच्चे बहुत ही खुश हो रहे थे देख के, लाइटिंग इतनी अच्छी लाइटिंग की गई थी मंदिर के अंदर, और बहुत ही साफ़ सफाई और अच्छी व्यवस्था थी, सफाई की भी बहुत अच्छी व्यवस्था थी। और यहाँ सेवादार अपना काम बड़ी सेवा भाव से करते हैं, और जो बड़े बड़े लोग यहाँ इस मंदिर को देखने के लिए आते हैं, भारत में ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है अमृतसर का स्वर्ण मंदिर। यह बहुत ही श्रद्धालु बहुत दूर दूर से इस मंदिर को देखने के लिए आते हैं। इस पानी में जो स्नान करता है उसके दुख दर्द और रोग कम हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ये इस पानी को गंगा जल के तुल्य माना जाता है, जिस तरह हिंदुओं के गंगा जल के तुल्य माना जाता है, इसी तरह इस सरोवर के पानी को भी गंगा जल के तुल्य माना जाता है। बहुत ही श्रद्धा भाव से लोग यहाँ आते हैं। आपको भी कभी यहाँ जाने का मौका मिले तो ये स्वर्ण मंदिर आप ज़रूर देखिए, बहुत ही मन शांत होता है यहाँ जाने से। ऐसा शांति भाव देखने को मिलता है कि मन की अशांति दूर हो जाती है। मेरा यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।